हरि नमोस्तुतेभ्य सविशाल बुद्धे उल्लारविंद यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैन पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः यं प्रवजन्तमनुपेत्यमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहता तरुवायुहावः उतरेति तन्मयतया तरवो भनेदुः त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष्मिनि त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष्मिनि करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण गणवासुदेवा हे नाथ नारायण गणवासुदेवा श्रीकृष्ण सप्ताह भीतर दशम स्कंध में
भगवान श्री कृष्ण जी कालिया दहम जाबेर कालिया नागक उद्धार करियो। वीक जटिल विदर नकारात्मक सोच थी घमंड थी और वीक अंदर जटिल काऊ भरी रच्य ईर्ष्या द्वेष रूपी वो भगवान ओल 2 मिनट में चकना चूर कर दे। भगवानों की महिमा बहुत अपरंपार छ, पर वीक आज समझने भक्त चें समझने आदिम चें आज प्रकृति महत्व का कोई न समझ ना रहे। यो आपदा विपदा कोरोना इन किछे इन सब विपदाएं छे, एक लीजिए हम सब जिम्मेदार छ, क्योंकि हम जो प्रकृति भगवान नारायण ने जो रचना कर रहे हैं हम वी अनुसार न चलना रिया, हम वी नियमों नियमानुसार न चलना रिया। जो भगवान ने नियम बना रखी शास्त्र में जो नियम बता रखी भगवान का बनाया नियम कहाँ से भक्तो, भगवान का नियम बनाया शास्त्रों में से, शास्त्र हमें आदेश देनी शास्त्र में बतोनी सन्मार्ग का बारे में, शास्त्र में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया कह रहा है। देखा शास्त्र गति ठोल जो जय मैं कह रहा है सबों कल्याण हो सब निरामय हुआ मने सुखी रवा भद्र माने संपूर्ण सृष्टि में भल हो, भद्र शब्द गल जो भल हो। माँ कश्य दुख भाग हुई वही रहे पृथ्वी में, मैं कहो माँ मने पृथ्वी में वही दुखी न हो अर्थात सब सुखी रहा। देखा हमारा सनातन धर्म कति महान धर्म छ, जै मैं मनुष्य ले बेर जीव जंतु चीटी तक वी ऊपर दया करना विधान छ। आज हम जीवों ऊपर दया न करना रिया, आज परिणाम उन जीवों की जो हत्या है जो निरापराधी होनी सिरसद होनी उन्हें आत्मा दुख है, उन्हें आत्मा वायु में भ्रमण करें और दुखी आत्मा जब वायु में भ्रमण करे ली तो भी परिणाम जो चराचर संसार भुगतल। मित्रों गलती यक करो और भुगतन सबों का पढ़ो, आज यही होना रहो। भगवान एक व्यवस्था में कोई व्यवस्थित न होना रहे, अवा तुम कह कालिया दहक सूक्ष्म रूप में थोड़ा कथा और ले जाना। ननाक प्रष्टम न च सार्वभौमम न पारवेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वांछन्ति यत पादरजः प्रपन्नः। कालिया नाग भगवानों वीग फण में नच नच वीर वीग अहंकार चूर कर दे। नाग पत्निया कालिया नाग कहें बचोन हन भगवान एक शरणागत है जैसे नहीं कनार जैन हे भगवान हे कृष्ण जू तुम जुले छा जय रूप मिले छा नन्न बालक छा उन समझ गए छे ये कोई साधारण बालक न छे, तुमको हमारे ते पति देव एक रक्षा करा अपन चरण रज दिया को। नाग पत्नियों सजी अगर भगवान एक मैच पर नाश्ते रवाल तो एक चकना चूर हजल उन्होंने बुद्धि लड़ा हे भगवान को हम तुम्हारी शरणागत छा तुम शरणागत एक रक्षा कर छा तुम अपन चरण रज हम को दिया हम तुम्हारे चरणों को रज अपन सिर में लगाना चाहना। न हमों का स्वर्ग जाए न मोक्ष जाए न सार्वभौम पदम और
क्या ही निशान हम पर मात्र तुम्हारे चरणों रज चाहे रज माने कौनी धूल थे। भगवान समझ गई कि इन देवियां बहुत बुद्धिमान छे। गंगा में अगर कोई स्नान करण हो तो गंगा स्नान में अगर जल तो वहां रज थोड़ी मिले, वहां पानी पानी है और रज का मिले जब गंगा जी बड़ी बहराल तब कहीं जावे उन चरणों में धूल लगे तब का नाग पत्तियां विगत सिर पर लगा। तो भगवान समझ गई कि नाग पत्तियां अपन पति के बचानो के लिए मध्य किनारे के भैर आ जावा और जब तुम्हार भैर आवे बालू में चरण पड़ल तो हमार पति के जो कष्ट होना रहो तो शोक संताप उन दूर है जाल। और भगवान भैर आ जाल तो हमार पति भगवान एक बच जाल। तो भगवान समझ गई, भगवान तो अंतर्ध्यामी छे तो उनको ठीक से नाग पत्नियों इच्छा भगवानों ने स्वीकार करी और भगवान नाचते नाचते भैर आ गई और उन नाग पत्नियों ने भगवान का चरण छुड़ी। अब नाग पत्नियों का विश्वास आ गया कि हमारे पति देव प्राणों की रक्षा आ जाए। पति प्राण प्रदीयताम कनारी हे प्रभु हमारे पतियों को हमारे पति कालिया में प्राण दान दे दिया। भगवान उन नाग पत्नियों भावना प्रसन्न हवेर को ठीक से कहो तुम्हारी कालिया प्रति प्रीति देख बे मैं एक आप माफ कर दियो। और फिर भगवान कालिया नागे जो फण से तलीका करियो और भी आगे कबीटी सावधान कर दे। हे कालिया नाग आप तो ये बटी छोड़ कर चले गए चल निस गए या बटी आप यार वास या न रहो नजर पहली जुबह हुए काली दह में स्नान कर छो कालिया नाग भी कह दस दे छो या भी कालिया नाग झूला पान पीछे सब मूर्छित हो जाए। तो आज भगवानों ने कालिया नागक अभिमान चूर करियो और भी थको तू आमटी जो तो कालिया ना गिड़गिड़ावे रुन पड़ गो महाराज अब मैं कहाँ जा भैर जा मंगवा परेशान करनी। और नाग पत्नियों भगवान से प्रार्थना करी कि हमारे स्वामी रक्षा करा अपन पति तो को अपन सिर झुकवा। और भगवानों चरणों में नतमस्तक हजवा। तब भगवानों भी माफ करियो और भगवान भी मज बड़ी नाचते नाचते कालिया दह बड़ी बहर आई। कालिया नाग गरेज बेर बोलियो अरे मैं कोई अपराधी थोड़ी छो भगवान जो मैं माफ मांगू थोड़ा अपड़ा अच्छा से भी मैं। भगवान बोली अरे तू अपराधी न से तो पूछे तू बता कालिया नागिल को बतावा मैं क्यों अपराध कर रहा है। भगवान बोली पहले विष बमन करवे ये अपन विष सब कालिया दह में डालवे तो लोगों को मारना छे। और जो मलीला उड़नी जो पशु पक्षी थे उन सब बलि त्यार मैच बेर उड़ बेर अगर यहाँ बड़ी जान जानी उन तेरे कालिया दह में आ जानी यार विषक विल यदि त्यार विष खराब छे और तू सफाई दिनार से सब पत्ते है बेर फिर कालिया ना कनारो ठीक से भगवान ठीक से मैं समझ गया सम आप कनारो हे भगवान तुम उन मगर सर्प बना किले बना। भगवान बोलना रे हे कालिया तू पूछे है तो इन पूछो तो सर्पों के मुख में यो जहर कैल भरियो। भगवान मनी हे कालिया तू सर्पों जन्मजात तामसी क्रोधी स्वभाव छे भगवान की लीला छो वील को त्यार स्वभाव छो त्यार मुख में जहर भल। भगवान बोलन लगी कालिया नाग ठीक से को त्यार लग फैसले कर दियो वयम खलासहोत्पत्यः तामसा दीर्घमन्वय
अस्य चो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। तो कल्याण आ गई, प्रार्थना करी भगवान जी उनको ठीक से जुतो। तेर जन्मजात विश्व आप तो कही के जन परेशान करिए, निरपराधी के जन्म मारिए, तो का मैं क्षमा कर दियो। जो कल्याण आगे सूक्ष्म कथा में तुम लोग ये प्रसंग में बताया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।